दिव्य भव्य और अलौकिक। कहते हैं ना कि त्रेता युग में हम सभी प्रवेश कर गए हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु कोई शक नहीं है। आप देख पा रहे हैं वह दिव्य दृश्य है जहां पूरा दुनिया तरस रही है इस जगह पर आने को। उस जगह पर हम सब मौजूद हैं और यहाँ पर भाई साहब भी, आप लोग भी आ जाइए, यहाँ बगल में आइए, इधर पीछे रहिएगा। हम लोग बड़े बड़े भागी हैं और बड़े भाग्यशाली हैं, और यूं माने कि हम सभी खुशकिस्मत के मतलब सितारे बुलंद हैं कि हम लोग यहाँ पहुंच गए, इस साक्षी बने हैं आज प्राण प्रतिष्ठा के। और आज का पहला दिन है, पहला दिन रामलला का हम लोगों ने दर्शन किया। भाई साहब बहुत दूर से आए हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा फीलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली सेवा धाम अयोध्या। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। क्या कोषाध्यक्ष महोदय भी है, क्या कैसा फीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद? सर यहाँ पर आकर जो हमने फिल्मों में सुना था, देखा था तारे जमीन पर, आज हमने अपनी आंखों से तारे जमीन पर देखे, और अनुभव ऐसा है कि उस अनुभव को बताना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से नजरें नहीं हट रही, शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, बयान नहीं किया जा सकता। और जो हम देख रहे हैं ना, इस पर विश्वास नहीं हो रहा। ये कार्यशैली किस, ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से ये कार्यशैली की है। अद्भुत है, शब्द नहीं है। और जो आज व्यवस्था थी सरकार की, काबिले तारीफ। इतने लोग, हाई प्रोफाइल लोग, हर व्यक्ति के साथ इतना अच्छा सद्भाव, आवाभगत, हद है। इतना इस सब संभालना और व्यवहार, सभी अधिकारियों का जो व्यवहार आम जनता के लिए, मैं उसके लिए यूपी सरकार का तहे दिल से हार्दिक आभार करता हूं। एवं राम मंदिर सनातन की नींव है, ये नींव अभी प्रभु श्री राम ने रखी है, इन सरकारों ने, वर्तमान सरकारों ने मिलकर रखी है। हमें इस नींव पर आगे और निर्माण करना है, सनातन को और अपने राष्ट्रवाद को पूरे विश्व में बढ़ाना है। कुल मिलाकर के यूं कहे ना कि इस कलयुग में त्रेता युग का प्रवेश हो गया है, और आज नए भारत का उदय हुआ है, और एक नए मतलब हम सभी नए युग में प्रवेश किए हैं। आप कैसा अनुभव कर रही है, कैसा फीलिंग, कैसा अनुभव, अच्छा लगा, कैसा लगा आपको? राम मंदिर में आए हैं, पहली बार हम लोग तो पहले दर्शक, पहले श्रद्धालु हुए जी, कल जो देखेंगे वो पुराने हो गए, हम लोग आज के सबसे पहले दर्शक हो गए, श्रद्धालु हो गए, कैसा लगा? बस ऐसा लग रहा है कि हमारी जो आत्मा है मोदी जी ने उसको परमात्मा से मिला दिया है, और मोदी जी हैं तो ये सब हुआ। कहते हैं कि कम बोलो और जबरदस्त बोलो, इसी को कहा जाता है कि एक मोदी जी ने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है। वाकई बहुत ही गजब, और मतलब खुद मैं अभिभूत हूं और निशब्द हूं आज कहने में। और भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं भारत के सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिस प्रकार से ये सरकारें मेहनत कर रही है दिन रात, ये अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो भी फर्ज बनता है कि इन अधिकारियों के साथ और सरकारों के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलें। शुरुआत और सारे कार्य शुरू सरकार को करने हैं और पूर्ण हमें करने हैं। तो मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि सरकारों का साथ दें और इन सद्भाव कार्यों में सरकारों की मदद करें, सरकारों को मदद करें। तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे थे अभी एक उन्हें बोली है कि आत्मा को मोदी जी ने परमात्मा से मिला दिया है, वो यही वह स्थान है जिसे राम जन्मभूमि कहा जाता है, जिसे राम लला का स्थान कहा जाता है, जिसे राम दरबार कहा जाता है। यकीन मानिए त्रेता युग में हम सभी प्रवेश कर गए हैं, और मोदी जी ने हम सबों को जगा भी दिया है, और जरूरत है हम सनातनियों को जागने की, और उन सभी सनातनियों को जागने की, और जाग करके एक नए समाज का निर्माण करने की, और एक नए अखंड भारत का निर्माण करने का। यह एक आज से शुरुआत हो गई है, अब अगर इसके बावजूद भी अगर हम सभी नहीं जागते हैं तो ये हम सबों की बुजदिली होगी। राम मंदिर से जगन्नाथ प्रेम कुमार माही के साथ, और बने रहे आप बीएनबी के साथ, और इसी तरह आप लोगों को कवरेज दिखाती रहेगी। आज वो धरा है इस जगह पर, दुनिया तरस रही है आने पर, और आज आपको बीएनबी घर बैठे दिखा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम खुशकिस्मत हैं, और आपको जो दिखा रहे हैं तो आप भी खुशकिस्मत ही हैं। बने रहे बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर।
हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।